और जो ये पूरा प्रशासन की जो एक मिली भगत से जो पूरा तानाशाही जो चल रही है वर्कर के खिलाफ में, सरकार के ऊपर जो है इनका पूरा कंट्रोल है कोर्ट से लेके, और जो है यहाँ पे जो पूरा जो प्रशासन है उसके से लेके हर जगह पे इनका कंट्रोल है। इन सरकार को भी घुटने के बल ना टिकाई तो भी आप बता दें। 2009-10 तक बहुत जबरदस्त शोषण किया नए नए बच्चों को भर्ती करके। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जाम उठाते हैं आपके पास सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। इस वक्त गुरुग्राम में लगातार मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। असल में वो मजदूर जो मारुति कंपनी के द्वारा लंबे समय पहले यानी आज से 12 साल पहले उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था, लेकिन उनका संघर्ष लगातार सड़कों तक जारी रहा। आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला असल में कोई नहीं है। क्या कुछ मांगे इनसे बात करेंगे जी, आप बताएं कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्या संघर्ष है, कब तक की पूरी कहानी है हमारे दर्शकों को। ये जो आज जो यहाँ पे एक दिन का धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये वे 18 जुलाई 2012 को मारुति के अंदर जो एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें एक षड्यंत्र के द्वारा मैनेजमेंट ने जो है ठेका मजदूर की आवाज़ उठाने के ऊपर जो है हमारे 546 जो परमानेंट साथी थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया, 148 साथियों को जेल में डाल दिया गया, 64 लोगों के गैर जमानती वारंट निकाल दिए गए, और जो है 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, उस ट्रायल के दौरान 117 वर्कर जो बरी हो जाते हैं, 117 वर्कर बरी होने के बाद भी एक भी वर्कर को मैनेजमेंट ने काम पे नहीं रखा गया। दूसरी बात ये है कि 2012 के अंदर जो हमारी जो यूनियन थी उसको जेल में डालने के बाद में प्लांट के अंदर कोई यूनियन नहीं बची थी। जब हमारे दोबारा यूनियन वहाँ पे बन के आती है तो हमारी यूनियन लगातार 2014 से लेके 2023 आ चुका, लगातार मैनेजमेंट से इसके ऊपर बात करने के लिए जो है गई है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं आई है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम उन वर्कर के बारे में कोई बातचीत आपसे नहीं करेंगे। एक तो ये मैनेजमेंट के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन है, दूसरी बात जिसमें हमारी यूनियन भी हमारे साथ में है, हमारे प्लांट के वर्कर भी हमारे साथ में हैं। दूसरी बात ये है कि कोर्ट के अंदर हम पिछले जो है लगभग 11-12 साल से कोर्ट में लगातार डेट लगा रहे हैं, एक भी डेट ऐसी नहीं हुई जिसके ऊपर वर्कर नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक अभी तक हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिली है। तो ये जो है कि इतना जो टाइम लग रहा है कि लगातार जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिसीजन नहीं आ रहा है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि 6 महीने में आपका जो है इसका केस का निपटारा किया जाए, लेकिन आज जो है उस चीज़ को भी 4 साल हो चुके हैं, 6 महीने से चार साल हो चुके हैं, उसका भी कोई डिसीजन नहीं आया। और इसके अलावा हम जो है सरकार के हर अधिकारी के पास में जा चुके हैं अपना ज्ञापन लेके रिक्वेस्ट करने के लिए कि जिसमें जी हमारे कोई जो बातचीत हो, लेबर डिपार्टमेंट में हमने ज्ञापन दे लिए, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। तो ये जो है कि पूरा का पूरा जो चल रहा है कि मैनेजमेंट की और जो ये पूरा प्रशासन की जो एक मिली भगत से जो पूरा तानाशाही जो चल रही है वर्कर के खिलाफ में, इसके खिलाफ में आज जो ये विरोध प्रदर्शन है। आज ये जो है यहाँ पे हमारे प्लांट के जो वर्कर हैं वो कुछ वर्कर जो रात की ड्यूटी करके आए हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, अलग अलग जो कंपनी के वर्कर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, सनबीम से आए हैं, टेस्टी से आए हैं, बेलसोनिका से आए हैं, जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगी, और ए शिफ्ट का वर्कर जो है अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद में पूरे जो जो सोच के साथ में लगभग 4:15 बजे यहाँ पे पहुँचेगा। तो उसके बाद में अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो हम जो है आंदोलन को जारी रखेंगे, और उसमें हमारी यूनियन मारुति के जितने प्लांट है MSMS जो बना रखे हैं ये संगठन हमारे साथ में है, और हम जो है जब तक हमारे इन मांगों का समाधान नहीं होगा हम जो है लगातार रोड के ऊपर जो आंदोलन करते रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्यों लग रहा है कि मैनेजमेंट इतनी जो सख्ती की आप बात कर रहे हैं, आपको बताया आपने लगातार इस तरह के ज्ञापन भी सभी अधिकारियों के लिए, तो उसके बाद क्या कोई अंदर खाने से कोई ऐसी आवाज़ जो आप मैनेजमेंट को मजबूत रखे हुए है किसके ऊपर ये एक इशारा जाता है? ये देखो कि मैनेजमेंट एकदम जो है जापानी कंपनी है, पहली बात तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये जो है सरकार जो है हम मानते हैं कि सरकार के ऊपर जो है इनका पूरा कंट्रोल है कोर्ट से लेके, और जो है यहाँ पे जो पूरा जो प्रशासन है उसके से लेके हर जगह पे इनका कंट्रोल है, इसलिए जो है कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं और जानने की कोशिश करूं कि किस तरीके से लंबे समय से आप परेशान हैं, क्या मांग करते हैं, क्या लगता है कि मजदूरों के लिए सरकार क्या कर रही है जो बड़े बड़े दावे करती आई है? मजदूरों के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, और ना ही हमारे साथियों के लिए अभी तक कुछ भी किया। हमने करीबन 12 साल से धरने प्रदर्शन किए हैं, समय समय पर डिमांड रखी हुई है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथी आज भी बाहर हैं परेशान हैं उनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, उनकी मांगें हैं पूरी करी जाएं, और
किसी साथी के साथ में ऐसा ना हो, हम यही रिक्वेस्ट सरकार से और कंपनी मैनेजमेंट से दोनों से करेंगे। सर, एक सरकार की बहुत प्रसिद्ध लाइन हो चुकी है कि सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे इस पर? क्या सबका साथ हो रहा है? जिस तरीके से लोगों की आवाज़ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो कर रही है, अगर उसको प्रैक्टिकल में हम देखें जी, तो वो नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूंजीपति वर्ग का कई गुना विकास हो रहा है और मेहनत कश जमात जो है वो लगातार घाटे में जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो साथ सबका साथ के साथ विकास तो नहीं हो रहा। जो कानून लेबर ला थे उनको सबको खत्म कर दिया। अगर इनका विकास ही करना था तो कानून क्यों खत्म किए इनके फेवर के, जो कानून थे जी। और जहां मारुति कंपनी की बात है, मारुति कंपनी सन 2000 से ही अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में है। वो 2000 में 300-350 वर्कर को निकाल के फिर उसने प्लांट चलाया। 2009-10 तक बहुत ज़बरदस्त शोषण किया, नए नए बच्चों को भर्ती करके उनको ट्रेनिंग कैजुअल चार चार कैटेगरी बना के उनको परमानेंट नहीं किया। 10-12 हज़ार तनख्वाह देते थे। जब ये वर्कर तैयार हुआ, इसने यूनियन बनाई, एजिटेशन हुआ, तब ये वर्कर जीत गया। मारुति के मैनेजमेंट से रुकया नहीं ये वर्कर, लेकिन ये वर्कर उतना अवेयर नहीं हो पाया और मारुति मैनेजमेंट ने षड्यंत्र करके दूसरे रास्ते झगड़े और उसके रास्ते इस वर्कर को फंसा लिया और उस बहाने से इतना वर्कर फिर बाहर कर दिया, ताकि जो भीतर वर्कर है उस पर फिर वापस कोड़ा चलाया जाए, उसका शोषण किया जाए ज़बरदस्त। लेकिन वो 10,000 में तो नहीं करवा सकता था, इसलिए उसने यूनियन को भी मानना पड़ा और 2-3 एग्रीमेंट भी करने पड़े, सेटलमेंट भी करने पड़े यूनियन के साथ। आज सैलरी अच्छी हो गई है, लेकिन ये सारी सैलरी जो अच्छी हुई है, वर्कर को तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जिन लोगों ने अपने जॉब की और आंदोलन में जो कुर्बानी दी है, जो अपनी वो लगाई है, ये उसका रिजल्ट है। अगर मारुति कंपनी तनख्वाह बढ़ा के देती तो 2000 से 2010-11 तक वो बढ़ा चुकी होती। उसका तनख्वाह बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं था, उसका था सस्ती से सस्ती मजदूरी में आदमी को रखे। और आज मैं तो बधाई दूंगा जितने डिसमिस कर्मचारी हैं, जो जिनकी नौकरी गई और दोबारा बैठे हैं, और साथ ही मैं जो यूनियनों को बधाई दूंगा कि उन्होंने वो सपोर्ट किया इस वर्कर को दोबारा से, और जो वर्कर आने को तैयार हो रहा है इस वर्कर की सपोर्ट में, ये रास्ता निकालेगा डेफिनेटली। इनने कोई गुनाह नहीं किया, ये वर्कर नौकरी का हक है इनका, जो मैनेजमेंट उसको नहीं दे रही है। सर, 12 साल की अगर बात की जाए तो 12 साल एक बहुत लंबा समय है, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है लोगों के चलते आए हैं, लेकिन क्या इसमें सरकार के साथ प्रशासन की भी उतनी बड़ी मिलीभगत रही है? इसमें ये आज जांचने की ज़रूरत है कि सरकार और प्रशासन, उसका काम है, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे देश में 1947 में जो रखी गई पूंजीवादी व्यवस्था, इसमें पुलिस प्रशासन न्याय प्रणाली जो सरकार में आ रहा है, वो सारे पूंजीपतियों के हित रक्षक हैं, हित रक्षा ही की है। हम 47 से आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखें, वो जनता के लिए उन्होंने किया नहीं। एजुकेशन में कटौती कर रहे हैं, वो लेबर लॉ में कटौती कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती कर रहे हैं, रोजगार में कटौती कर रहे हैं लगातार। तो इससे ये साबित होता है कि ये प्रशासन, ये सरकार कोई भी जनता के हित में काम नहीं कर रहा। आप अगर सरकार अभी भी आपकी बात नहीं सुनती है, इतना लंबे समय की बात भी, देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे बर्खास्त साथी यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, इनके साथ हुआ था अन्याय, बिना इंक्वायरी का, बिना कुछ चीज़ का, सरकार की मिली भगत से इतना बड़ा षड्यंत्र रच के, और सभी मजदूरों को, जिन मजदूरों ने कंपनी को और इस देश को, राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसी मजदूर को कुचलने का काम किया, दमन करने का। रही बात संघर्ष की, तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और मजदूरों के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। आज शासन और प्रशासन कितना हम बताना चाहते हैं कि ये तो हमारा जो अभी प्रदर्शन चालू हुआ है देश में, आज के समय में जिस प्रकार सरकारें किसान मजदूरों पे दमनकारी नीतियाँ लागू कर रही है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में ये देश की जनता, मजदूर, किसान मजदूर इन सरकार को भी घुटने के बल ना टिकाई तो भी आप बता दें, क्योंकि इस सरकार को बनाने वाले देश के किसान मजदूर ही हैं।
लेकिन आज देश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ और पूंजीपति का विकास देश में ही हो रहा है, जो सबको बिल्कुल दिख रहा है। कोरोना के बिहार में मजदूरों पे इतने जुल्म ढहा गए, इतनी नौकरियां लोगों की गई, और एक अलग जो तबका था जो पूंजीपति वर्ग, उनकी इतने मुनाफे बढ़ते गए जिसका कोई हद पार कर गया, और जो आपके साथ सामने है। लेकिन जिस प्रकार सरकारें जो अपनी अभिश्रम कानूनों में जिस तरह का बदलाव करी हुई है, बिल्कुल एक कितने हिटलरशाही कानून है। ये अंग्रेजों के समय में भी इस तरह का कानून नहीं था जो आज के समय में सरकार मजदूरों पे थोपना चाहती है। जिस प्रकार किसानों ने अपनी लड़ाई लड़के और सरकार घुटने के बल गिरा दिया और 3 जो कृषि कानून बिल था उनको वापस लिया, उसी प्रकार ही मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए जितना भी संघर्ष करना होगा संघर्ष करेगा।